वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का 3D अवतार बना सकते हैं अपने फ़ोन में। और आपको इसके लिए बिल्कुल भी कोई 3D सॉफ्टवेयर या ब्लेंडर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, इसलिए उसको पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर कुछ भी स्किप करोगे तो बीच में छूट जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप है कि आपको इन 3D ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है इन 3D अवतार क्रिएटर प्रो। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको ये कुछ स्टेप्स ऐसे दिखा देगा, जिसमें कि आपको दिखाएगा कि क्या कैसे आपको स्कैन करना है। लेकिन इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और अच्छे से। तो अभी हम इसको कंटिन्यू क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है 3D। तो हमें क्या करना है, हमें एक अपना अवतार बनाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने अब ऐड योर अवतार में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको बोलेगा, ये बोलेगा कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, कोई और बंदा नहीं होना चाहिए दूसरा, ठीक है। और आपके जो हेयर है वो अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि आपका जब एक बार अवतार बन जाएगा उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये है कि आपको दूसरा बना सकते हैं लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप जितना बेस्ट दिख सकते हैं उतना दिखिए। तो उसके बाद हम चलते हैं अपना गेट स्टार्ट क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें ये कुछ इस तरीके से परमिशन मांगता है। हम इसको ओनली दिस टाइम बोलेंगे और ये बोलेगा कि आप अपना फ़ोन को कहीं भी एक ट्राईपॉड पे लगा दीजिए या फिर कहीं रख दीजिए टेबल पर। तो जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी लाइटिंग हो रखी है तो मैं अपने आप फेस स्कैन करना शुरू करता हूँ। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। तो मैं अपना फेस स्कैन करना शुरू करता हूँ अभी। और आपको यहाँ पर इसमें पूरा अपना फेस कवर कर लेना और अपना एक फोटो लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखा देगा कि आपने इस तरीके से खुद को स्कैन किया है। उसके बाद आपको लुक्स गुड कर देंगे, अगर आपको और टेक लेने हैं तो अनदर टेक पर क्लिक कर देंगे। आपको ठीक लग रहा है तो यहाँ क्लिक करेंगे लुक्स गुड और हमारा अब जो बॉडी स्कैन होगा, तो बॉडी स्कैन के लिए मुझे थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. तो फेस स्कैन और फुल बॉडी स्कैन करने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि कैसे दोनों चीजें करनी है। उसके बाद आपका ये ऑलरेडी एक मॉडल जो होगा आपका 3D मॉडल वो बनकर आ जाएगा और आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बना है। आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा फैटी फैटी सा लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा सा लग रहा हूँ, बट ये है, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरे कपड़े थे बहुत ज़्यादा फूल गए थे और इसको आप तो अगर ज़रा सही से करेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। इससे पहले वाला जो मेरा मॉडल था वो इससे ज़्यादा बेटर था। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल है वो तैयार है, उसमें आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है एनिमेशन में। अब आपको एनिमेशन अपने मॉडल से करने हैं तो आप जाएंगे एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर ये बैक फ्लिप मारने वाला एक एनिमेशन है और यहाँ पर ये डांस करता है, उसका एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये गिर जाता है खुद से ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बना के रील्स भी अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पर, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप चेक कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं वो, और मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से आप अपना जो 3D मॉडल वो बना सकते हैं और उसे एनिमेट करा सकते हैं। और बाकी ये एक पेड ऐप है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी यहाँ करें उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें और अगर आपको एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो आप उसको पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में इन 3D ऐप से अपना 3D अवतार बना सकते हैं। और अच्छे कूल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।